हाई गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गोदरेज ट्रॉपिकल आइल। नोएडा के अंदर गोदरेज का रीसेंट लॉन्च है। इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। पहले समझेंगे आप ओवरऑल लोकेशन, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, उसके बाद ओवरऑल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। लास्ट सेक्शन में आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट जिसके अंदर अभी मैं हूँ। दिस इज़ अ 4 BHK स्प्रेड अक्रॉस 3 to 50 स्क्वायर फीट। क्या है पूरे प्रोजेक्ट की खासियत, वो सारी चीज़ें आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे Did you know that this project sold 80% of its inventory in the first week of launch? The obvious reasons were quality of life, proposed amenities, location bang on Noida Expressway, and metro station connectivity. Investment because of resale value, legal and financial aspect because 100% paid up land hai, and finally builder ki reputation. Jin sizes mein inventory khatam ho chuki hai, wo hai 3 BHK mein 1800 square feet, 2500 and 2800 square feet. Jis size mein inventory abhi bhi available hai, wo hai 4 BHK with utility mein 3 to 50 square feet. गोदरेज ट्रॉपिकल आइल लोकेटेड है सेक्टर 146 नोएडा में। सो जो लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, वंस यू क्रॉस DND आप पहुंचते हैं फिल्म सिटी। इसी रोड पर स्ट्रेट आना है। वंस यू रीच महामाया फ्लाईओवर, यहां से नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा के हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो जाती है। इसी एक्सप्रेसवे में 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक्वालाइन का एक ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन आता है जिसका नाम है सेक्टर 146 एंड दैट्स वेयर द प्रोजेक्ट साइट इज। गोदरेज ट्रॉपिकल आइल के 4 BHK का मेजर कॉम्पिटिशन गोदरेज के अपने ही प्रोजेक्ट्स, गोदरेज वुड्स जो सेक्टर 43 में है जिसमें 3300 स्क्वायर फीट और 3700 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस हैं, उसी से है। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। अब आते हैं आज के सैंपल पे। ये एक 4 BHK विद यूटिलिटी है। सो नाउ वी आर इनसाइड द अपार्टमेंट। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं आपको कॉमन जो स्पेसिफिकेशन है वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे पूरा जो घर है इसके अंदर जितना भी कॉमन एरिया है इसके अंदर आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। द एंटायर हाउस इज सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन। किचन वुड बी कम्प्लीटली डन अप। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होम ऑटोमेशन का पार्ट है। जैसे ये जो लॉक अभी आप देख रहे हैं, दिस इज 5-in-1 लॉक। आप इसको एक्सेस कार्ड और मल्टीपल तरीके से खोल सकते हैं। पिन है, एप्लीकेशन है, RFID टैग है और इसके अलावा कीस। जो मेन डोर अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो वुड यूज़ की गई है वो इस टाइप की है जिसकी वजह से अगर जस्ट इन केस कोई इमरजेंसी होती है इट कैन विद होल्ड फायर अप टू 60 मिनट्स और जब तक आपके पास हेल्प आई जाएगी। सो दिस बिकम्स योर एंटायर फॉय एरिया। फ्लैट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि एक बेडरूम आपका यहाँ पर है, 3 और जो बेडरूम्स हैं वो आगे की तरफ है। सो दैट बिकम्स योर प्राइवेट स्पेस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं फ्लोर एरिया जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है। इसमें वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस है। आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो इस बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग और आगे एक और रूम के साथ शेयरिंग में है। बालकनी में लुक्स के साथ साथ फंक्शनैलिटी पर भी फोकस किया गया है। यू कैन इवन प्लेस आउटडोर फर्नीचर टू यूटिलाइज इट फुली। सो ये है इसके साथ अटैच वॉशरूम, स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। सो नाउ दिस बिकम्स योर रेक्टेंगल शेप लिविंग डाइनिंग। इसमें
जितना भी इंटीरियर है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। 4 BHK के सारे यूनिट्स 3 साइड ओपन है, आप देख सकते हैं कंबाइंड स्पेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डाइनिंग में 6 सीटर प्लेस्ड है और लिविंग के अंदर 7 सीटर प्लेस्ड है विद 2 एक्शन चेयर्स विच रियली पॉप्स अप। पूरा जो इंटीरियर है वो 2 प्राइमरी कलर्स के साथ चल रहा है। द होल आइडिया इज टू गिव यू एन आइडिया आप इस स्पेस को कितना सुंदर बना सकते हैं। डाइनिंग के सामने ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है विद अ ब्रेकफास्ट काउंटर। नाउ दिस इज योर एंटायर किचन एरिया, अब आपके ऊपर है आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर कैबिनेट वर्क ऑलरेडी डन अप रहेगा। बाकी स्पेस कुछ इस तरह से है, फ्रिज के लिए डेडिकेटेड स्पेस यहाँ आ जाएगा, वेट एरिया यहाँ आ जाता है, ये वाला चॉपिंग आगे की तरफ ड्राई सेक्शन आ जाता है। ये वाली जो बालकनी है बेसिकली आपकी सर्विस बालकनी है, इसमें वॉशिंग मशीन के लिए अलग से एक डेडिकेटेड कॉर्नर है, तो वो कॉर्नर यहाँ पर आ जाता है। एसी के जो एक्सटर्नल यूनिट्स होंगे, बिकॉज वीआरबी इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, कंसील हो जाएंगे। इसके बाद यही वाली बालकनी आगे जाकर सर्वेंट रूम के साथ कनेक्टेड है, उसका सेपरेट वॉशरूम है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग, किचन और इसके अलावा गेस्ट बेडरूम। लिविंग के जस्ट सामने ही है स्टडी एरिया या पूजा एरिया, जैसे भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहें। बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो यहाँ पर सेटअप बन सकता है आपका वर्क फ्रॉम होम का। बहुत सारे लोग जो लाइब्रेरी बना चाहें तो वो प्रोविज़न भी आपको यहाँ मिल जाता है। अब इसी पैसेज में जब हम आगे आते हैं तो ये है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम को इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रखा हुआ है। अब इस बेडरूम के अंदर आपको स्पेस देख सकते हैं यूटिलाइजेशन किस तरह से। एक किंग साइज बेड है सामने की तरफ, एक कॉर्नर में डेडिकेटेड स्पेस आप अपना जो स्टडी का है वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद चेस्ट है यूनिट्स आपकी वहाँ पर आ सकती हैं, तो इसमें वार्डरोब स्पेस आपका यहाँ आ जाता है। इसके साथ एक जो रनिंग बालकनी है, इस बालकनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक रैप अराउंड बालकनी है। तो ये 2 डायरेक्शंस को कवर कर रही है, आगे जाकर ये मास्टर बेडरूम के साथ भी शेयरिंग में है। इसी पैसेज में जब आप आगे की तरफ आते हैं देन दिस इज योर 3rd बेडरूम। ये 3rd बेडरूम के साथ जो बालकनी है ये 1st बेडरूम और लिविंग डाइनिंग के साथ शेयरिंग में थी। अब इसके साथ वॉशरूम जो है इसका अटैच्ड है। इस रूम को किड सेंट्रिक थीम के हिसाब से बनाया गया है और अभी तक के जितने भी बेडरूम्स आपने देखे सारे ही स्पेशियस हैं, फंक्शनल बेडरूम्स हैं विद ऑल द पॉसिबिलिटी टू केटर ऑल योर फ्यूचर नीड्स। मास्टर बेडरूम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस रूम के अंदर जो जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, मतलब जो भी आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशंस हैं उनको आप फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक किंग साइज बेड है, कॉर्नर में आपका वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है स्टडी टेबल वो बन सकता है। कॉर्नर में आपका एक कॉफ़ी टेबल आ जाता है और इसके बाद ये है इस रूम का सबसे अच्छा पार्ट। नाउ दिस बिकम्स योर वॉक इन क्लोज़ेट। इसके साथ जो वॉशरूम है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। So this was 3250 square feet, a 4-bedroom unit at Godrej Tropical Isle, now on market at a very reasonable price considering the location and the feature that they are offering in this project. यहाँ पे अगर हम higher floors की बात करें तो approximately 5.70 के आसपास closure rate आता है, अगर हम lower floors की बात करें तो almost 6.10 touch कर जाएगा। For more information, you can always give us a call at the number mentioned below because we believe in personalized site visit, जिससे सबसे पहले हम आपकी overall requirement समझते हैं और उसके बाद आपको site visit कराते हैं to show you what the location and this project has to offer. So that's it for the day. This is Pavan Saini signing off for the day.